अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लेकर आई हूँ सरसों का साग, वो भी देसी स्टाइल में। इतना आसान तरीका बताऊँगी इससे बनाना आसान होगा और खाना उससे भी ज़्यादा आसान होगा। इतना मज़ेदार और डिलीशियस किस्म का। अगर आप मेरे पेपर नए हैं तो प्लीज़ लिहाज सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखें, मैंने यहाँ पे साग, पालक, बासू और मेथी सबको छीका उतार कर इसको छोटे छोटे कट कर लिए हैं। अब मैं 2 से 3 दफ़ा इसको पानी में अच्छी तरह साफ़ करूँगी। साफ़ के लिए बगैर इसे पकाना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। अच्छी तरह पानी में 2-3 दफ़ा धो लेंगे, फिर इसे प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे। प्रेशर कुकर में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखें, 15 से 20 अदरक हरी मिर्च वो प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ में 2.5 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी डाल दूँगी मैं, और ऊपर बाकी का धुला हुआ साग, पालक, बासू, मेथी वो डाल कर इसे प्रेशर कुकर में वेट दे दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट। वेट देने के बाद हमारे साग की हालत ऐसी हो जाएगी। इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से आसानी के साथ इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे हम लोग। आप चाहे तो मंदानी भी मार सकते हैं या वो जग कैंडल में भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं अच्छी तरह। दूसरी तरफ मैंने एक प्याली गंदम का आटा लिया है, पूरा एक प्याली डालेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ताकि इसे गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा नरम लाइम हो जाए। जितना आपको नरम लाइम चाहिए आप उतना आटा ऐड करके ब्लेंड कर सकते हैं इसे अच्छी तरह से। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके आपने आटा डालना है, एकदम से सारा नहीं आटा डालना, तो गुठलियाँ बन जाएंगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, हमारा ब्लेंड हो गया। वह इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम लोग पकाएंगे चूल्हे पे अच्छी तरह। दूसरी तरफ हम लोग देसी घी का तड़का रेडी करेंगे। इसमें 1 कप देसी घी डाल लिया है मैंने, साथ में 3 चम्मच अदरक और 1 पूरी लहसुन की पोटली जैसे छोटे छोटे कट कर लिए हैं मैंने, वो तड़का तैयार करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं लहसुन डालूँगी, लहसुन को फ्राई करूँगी अच्छी तरह। जब इसका कलर लाल कलर रंग का हो जाएगा तो फिर इसमें अदरक ऐड करूँगी मैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी। ये देखें ज़बरदस्त, इतना आसान तरीका, इतना आसान तरीका है जो मिनटों में बन जाता है और इतना मज़े का है कि जिसको नहीं भी पसंद वो भी शौक से खाएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है। ये देखिए, तरीका तकरीबन हमारा तैयार हो गया और इसे मैं अपना साग के ऊपर सारा डाल दूँगी इसे। ये देखिए, मज़ेदार किस्म का साग तैयार हो चुका है हमारा। अब मैं इसे आपके आगे सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए, जो साग के इतने फायदे अल्लाह पाक ने डाले हैं, इतने फायदे डाले हैं कि आपकी सोच होगी। इस सदियों में तो लाजमी 1 दफ़ा तो लाजमी खाना चाहिए साग को, और स्पेशली ऊपर देसी घी आ जाए तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।